दोस्तों, मुंबई से कुछ ही दूरी पर मौजूद है हाजी अली की दरगाह। हाजी अली दरगाह उन पवित्र स्थलों में से एक है जिसमें हर धर्म के लोग सच्चे मन और विश्वास के साथ अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं। और कहा जाता है कि इस दरगाह में धागा बांधने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाजी अली दरगाह के प्रति लोगों की श्रद्धा भावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जाकर सभी लोग सच्चे दिल और आस्था से अल्लाह को याद करते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस दरगाह का निर्माण कैसे हुआ और हाजी अली एक साधारण मनुष्य से कैसे बने लोगों के लिए भगवान। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साल 1431 में बनी इस दरगाह में इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, दरगाह के साथ साथ यहाँ एक मस्जिद भी मौजूद है जहाँ पर कई सारे नमाजी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से अपने और घर परिवार की सुख शांति के लिए दुआ करते हैं। पर आज हम इस दरगाह के बारे में बात कर रहे हैं। सफ़ेद रंग की इस आकर्षित दरगाह में एक 85 फीट की मीनार बनी हुई है जिसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत है। इस खूबसूरत सी दरगाह के मेन हॉल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं जिन पर रंगीन शीशों से कलाकारी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं। इस मज़ार को लाल रंग और हरे रंग के कपड़ों के साथ सजाया गया है और इसके आसपास चांदी के डंडों से बना एक घेरा भी है, और ये सभी चीज़ें मिलकर इस दरगाह की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं और दरगाह देखने में भी काफ़ी आकर्षित लगती है। हाजी अली की दरगाह समुंदर के बीचों बीच बनी है जहाँ जाने के लिए आपको खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। असल में दोस्तों, यहाँ जाने के लिए एक पुल बना हुआ है जिसके दोनों तरफ से समुंदर की लहरें लगातार अपना तक दिखाती रहती हैं, और जब तूफान आता है तो पूरा का पूरा पुल लहरों के बीच समा जाता है, या फिर कहिए कि पानी में ऐसे गायब हो जाता है कि दिखता ही नहीं है। इस बीच अगर कोई पुल में खड़ा हो तो उसे समुद्र अपने आगोश में ले लेता है। पर समुद्र चाहे कितना भी आंतक क्यों ना दिखा ले, ये दरगाह कभी नहीं डूबती। इस दरगाह की इन्हीं चमत्कारिक शक्तियों की वजह से ही दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं, फिर चाहे वो नॉर्मल बंदा हो या फिर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाला सेलिब्रिटी। और यहाँ पर जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आकर अपना माथा टेक सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, और फिर चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति हो, हाजी अली में अल्लाह के दर्शन किए बिना नहीं जाते। श्रद्धालुओं की अपने प्रति श्रद्धा देख कर अल्लाह भी उन्हें हर परिस्थिति से बचाते हैं और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान होने नहीं देते, और अपने बंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, बताया जाता है कि हाजी अली एक बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे, और एक बार जब हाजी अली उज्बेकिस्तान के रेगिस्तान इलाके में नमाज पढ़ रहे थे तभी उनके पास से रोते हुए एक महिला गुजरी। हाजी अली ने जब उस महिला से उसके रोने का कारण पूछा तो उस महिला ने बताया कि वो तेल खरीदने गई थी, लेकिन वापिस आते वक्त उसके हाथ से तेल का बर्तन गिर गया और पूरा तेल बर्बाद हो गया। अब वो जब घर वापस जाएगी तो उसका पति उसको मारेगा। वो महिला बहुत ही डरी हुई थी। महिला की ये सारी बातें सुनकर हाजी अली को महिला पर दया आ गई और उसे चुप रहने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहां पर तुम्हारे बर्तन से तेल गिरा था। वो महिला हाजी अली को अपने साथ उस जगह पर ले गई। वहां पहुंचते ही हाजी अली ने जमीन पर एक अंगूठा गाड़ दिया, और कहा जाता है कि जैसे ही हाजी अली ने उस जगह से अपना अंगूठा निकाला, वहां से तेल का फव्वारा बहने लगा, जिसे देखकर महिला इतनी खुश हो गई कि उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और उसने तुरंत गिरते हुए तेल से अपने बर्तन को भरना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद महिला तो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन हाजी अली को बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे। उनका मन बेचैन रहने लगा, यहाँ तक कि वो बीमार भी पड़ गए। और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि हाजी अली को ऐसा लगता था कि एक महिला को दुखों से निकालने के लिए उन्होंने धरती को चोट पहुंचाई है, जिससे वो गहरी सोच में पड़ गए। और इन्हीं सब बातों से छुटकारा पाने के लिए हाजी अली व्यापार करने अपने भाई के साथ मुंबई की उस जगह पर पहुंच गए जहां पर आज हाजी अली की दरगाह बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उनका भाई मुंबई से वापस अपने घर चला गया, लेकिन हाजी अली वहीं पर रुक गए और वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। हालांकि इनसे जुड़ी एक और कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है,
कहा जाता है कि हाजी अली ने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान कर दी थी, लेकिन उसी यात्रा के दौरान इनकी मौत भी हो गई। ये बात बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि उनकी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रखकर बहा दिया जाए, और ठीक ऐसा ही किया गया। पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ तो ये थी कि जब उनका ताबूत पानी में बहाया गया तो दोस्तों आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो ताबूत बिना डूबे समुन्दर के साथ बहते बहते मुंबई आ पहुंचा और उस ताबूत के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गया। इस चमत्कारी घटना को देखने के बाद लोगों को ये विश्वास हो गया कि इनमें कोई ना कोई असामान्य शक्तियां मौजूद हैं। ताबूत में मौजूद शव किसी साधारण मनुष्य का शव नहीं हो सकता, इसीलिए मुंबई में हाजी अली दरगाह का निर्माण किया गया। और शायद इसीलिए हाजी अली दरगाह को समुन्दर का पानी छू भी नहीं पाता। हाजी अली की दरगाह मुंबई तट पर बने एक छोटे से टापू पर बनी है, जो कि 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला है। हाजी अली की ये दरगाह धार्मिक जगह होने के साथ साथ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर भी जानी जाती है, इसीलिए हर साल दुनिया भर के लाखों लोग यहाँ पर इस चमत्कारिक दरगाह की असीमित शक्तियों को महसूस करने आते हैं। अब ये तो आपको मालूम है कि इस्लाम धर्म का उदय अरब के देशों में हुआ था, और अरब के देशों से ही भारत में मुस्लिम आए जिन्होंने यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। पर आज इस्लाम धर्म का पूरी तरह से विस्तार हो चुका है। एक समय हुआ करता था जब कई सारे संत भारत आए थे और यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उनमें से एक थे हाजी अली। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुस्लिम होगा जो कि हाजी अली शाह के बारे में ना जानता हो। पूरी दुनिया के मुसलमान आज हाजी अली को समुद्र के बादशाह के रूप में जानते हैं। मुसलमानों का हाजी अली शाह की दरगाह के बारे में ये कहना है कि अल्लाह के बंदे इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि कोई चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना हो। और इस रहस्यमय और अनोखी चीज को मुंबई के लोग अपनी आंखों से देखते हैं। तमाम मुस्लिमों का हाजी अली दरगाह के बारे में कहना है कि मुंबई में चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो जाए या फिर पूरा मुंबई ही क्यों ना डूब जाए, लेकिन हाजी अली की दरगाह में कभी भी पानी नहीं आता। अभी ये तो आप भी जानते ही हैं कि मुंबई में कितनी ज्यादा बारिश होती है, और बारिश के मौसम में समुन्दर का पानी अपनी जोरदार लहरों से तबाही मचाने के लिए तैयार होता है। पर चाहे कितना भी रौद्र रूप क्यों ना ले ले, वो हाजी अली दरगाह की चौखट को पार नहीं कर पाता। दोस्तों, दरगाह से जुड़े चमत्कार के बारे में तो आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन इस दरगाह से जुड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी है। असल में इस दरगाह में महिलाओं का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि महिलाओं को दरगाह के अंदर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हालांकि साल 2011 से पहले मुस्लिम महिलाएं भी दरगाह के अंदर प्रवेश कर सकती थी, पर 2011 के बाद ना जाने ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को लगा कि यहाँ महिलाओं का जाना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने महिलाओं को पूरी तरह से इस दरगाह में बैन ही कर दिया। यहाँ केवल पुरुष ही जा सकते हैं। हालांकि महिलाएं अपने हक के लिए लगातार लड़ाई लड़ ही रही हैं, और ये केस कोर्ट में भी चल रहा है, और आने वाले समय में इसका भी नतीजा देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर महिलाओं को बैन करना सही है या फिर आप भी इसे गलत मानते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।